एवरीवन, वेलकम बैक टू नमस्ते कनाडा। मैं हूं रुचिका। और मैं हूं नीरज। तो रुचिका, फिर आज हम क्या देखने जा रहे हैं? आज हम वीडियो देखने जा रहे हैं, उसका टाइटल है अनबिलीवेबल इंडियन एंशिएंट स्टोरीज हिस्ट्री स्पेशल फीचरिंग अभिजीत चावड़ा द रणवीर शो हिंदी 66। ये रणवीर अलाहाबादी यूट्यूब चैनल से है। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो के एंड तक हमारे साथ बने रहिए। हम एंड में इंटरेस्टिंग डिस्कशन करेंगे, होपफुली वो आपको पसंद आएगी। तो करें फिर वीडियो शुरू। यस प्लीज, लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, अभिजीत चावड़ा लौट चुके हैं, आ चुके हैं फिर से द रणवीर शो हिंदी पर। इनके साथ एक बहुत ही बढ़िया पार्ट वन किया था, शॉकिंग हिस्ट्री ऑफ इंडिया। जो हिस्ट्री हमें स्कूल में सिखाई जाती है वो कंप्लीट हिस्ट्री नहीं है, वो हल्की सी मैनिपुलेटेड हिस्ट्री है। जब ब्रिटिश ने इंडिया को कॉन्कर किया था, हमारी टेक्स्ट बुक्स में हमें जो सिखाया जाता है थोड़ा सा बदल दिया था, थोड़ा सा नहीं शायद बहुत कुछ बदल दिया था। और जो हमारी असली हिस्ट्री है हमसे छिपाई जाती है। तो इसी टॉपिक को लेकर, लॉस्ट शॉकिंग हिस्ट्री ऑफ इंडिया को लेकर हम लौट चुके हैं पार्ट टू के साथ। एंजॉय अभिजीत चावड़ा सर ऑन द रणवीर शो। अभिजीत चावड़ा सर, नमस्ते। द रणवीर शो हिंदी में फिर से आपका स्वागत है। नमस्ते, थैंक यू फॉर हैविंग मी। हमारा जो शॉकिंग हिस्ट्री ऑफ इंडिया एपिसोड किया था वो शायद हमारा सबसे आइकॉनिक हिंदी एपिसोड बन चुका है। आज भी कमेंट्स आते रहते हैं, सीक्वल एपिसोड्स के रिक्वेस्ट आते रहते हैं, यही है वही सीक्वल एपिसोड। फर्स्टली सर, कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन योर ओन पॉडकास्ट। थैंक यू वेरी मच। बहुत, फॉर लैक ऑफ अ बेटर वर्ड, फाड़ू पॉडकास्ट है। आई ऑल्सो कंज्यूम इट अ लॉट। उससे मैंने भी बहुत कुछ सीखा। हर दिन आप एक एपिसोड रिलीज करते हो? हफ्ते में 5 बार कर रहा था, अभी 3 बार कर रहा हूँ। ओके, क्रेजी। आप एस्ट्रोफिजिसिस्ट हो, आप जियो पॉलिटिक्स के एफिशिएनाडो हो, बट इन माई हार्ट मेरे लिए आप हमेशा एक हिस्टोरियन रहोगे। आई टेक ओवर, आई लव योर एस्ट्रोफिजिक्स साइड। पर जितनी हिस्ट्री आपको पता है इंडिया के बारे में, आई हैव नॉट मेट टू मेनी पीपल हु नो दैट। पिछले एपिसोड में हमने टॉप 10 क्विक पीसेज ऑफ हिस्ट्री किए, ये मोर टॉप 10 है। आई वुड लाइक यू टू हाईलाइट सम कूल पार्ट्स ऑफ हिस्ट्री दैट आर लॉस्ट। जो हिस्ट्री हमें स्कूल में नहीं सिखाई जाती सर, फिर से 10 पॉइंट्स। पहले आई थिंक हम शुरुआत कर सकते हैं आइस एज के साथ। हाँ, पहले तो सर ये समझा दो कि आइस एज होता क्या है, कूलिंग और वार्मिंग फेजेस क्या होते हैं अर्थ के लाइफ स्पैन में, और वहाँ इंडिया का क्या सिग्निफिकेंस है? तो कूलिंग और वार्मिंग अर्थ की हिस्ट्री में होती रही है। ये ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल कूलिंग, क्लाइमेट चेंज, ये हमेशा रहा ही है, चालू ही रहता ही है, क्योंकि अर्थ का एटमॉस्फेयर, क्लाइमेट हमेशा चेंज करता है। तो कुछ ऐसे फेजेस आए अर्थ के हिस्ट्री में जब अर्थ पूरी ठंडी हो गई, पोल्स ठंडे हो गए, आइस हो गया हर जगह पे, सिर्फ इक्वेटोरियल और ट्रॉपिकल रीजन्स में पानी रहा, बाकी हर जगह सब फ्रीज हो गया। और कुछ टाइम ऐसे आए जब एंटार्क्टिका में भी पानी था। सो ऐसा होता रहता है। तो अभी इंडिया में क्या होता है कि इंडिया इक्वेटर के पास है, ट्रॉपिकल जोन में है, तो इंडिया का क्लाइमेट हमेशा इवन ड्यूरिंग द आइस एज काफ़ी प्लेजेंट रहा है एंड कंड्यूसिव टू ह्यूमन सेटलमेंट। तो इंडिया में जो हिस्ट्री है ह्यूमैनिटी की वो एटलीस्ट 60-70,000 ईयर्स पुरानी है। जो आउट ऑफ अफ्रीका माइग्रेशन हुआ था वो सबसे पहले अफ्रीका के नॉर्थ पार्ट से, जिबूती से लेकर अरेबियन डेजर्ट में आया। उस टाइम पे अरेबियन डेजर्ट डेजर्ट नहीं था, ग्रीन था। और वहाँ से वो ईस्टवर्ड गए और इंडिया में सेटल हुए। तो आउट ऑफ अफ्रीका माइग्रेशन वाले जो पहले ह्यूमंस थे, आउट ऑफ अफ्रीका वाले, वो सबसे पहले इंडिया में अपना उन्होंने घर बनाया और फिर इंडिया से दुनिया भर में स्प्रेड हुए। इसका जेनेटिक फुटप्रिंट हमें मिला है, क्योंकि जो सबसे एंसेस्ट्रल हैप्लो ग्रुप है, जो लीनिएज है, वंश है, वो इंडियन है, मेल भी और फीमेल भी। और इसके डिसेंडेंट जो वंश है वो हर दुनिया में हर जगह फैले हुए हैं। मतलब एक जीन है जो दुनिया भर के लोगों में पाई जाती है, बट एक सिग्नेचर है, जेनेटिक सिग्नेचर। ओके, एक जेनेटिक सिग्नेचर है। एंड अगर आप उसे ट्रेस बैक करोगे तो ये पता चलता है कि एंशियंटली वो इंडिया से बिलोंग करता था। यस, जो मेल सिग्नेचर वो अबाउट 55,000 ईयर्स पुराना है, जो इंडिया में ओरिजिनेट हुआ। और जो फीमेल है वो 60-65,000 ईयर्स पुराना है, वो भी इंडियन ओरिजिन है। सो पूरी दुनिया का मोर देन 90% ह्यूमन बीइंग्स और नॉन अफ्रीकन्स वो इंडियन ओरिजिन के हैं, लेकिन यू हैव टू गो बैक 50-60,000 ईयर्स बिफोर टुडे। सर, तो बेसिकली मतलब एक ज़माने में आइस एज हुआ करता था,
मोस्टली जो यूरोप का पार्ट था, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ अमेरिका, वहाँ सा मोस्टली आइस थी, जैसे आइस एज मूवी में दिखाया गया. तो जितने भी ह्यूमंस थे वो इक्वेटर के आसपास थे, और अफ्रीका से एक यूनिट निकला ह्यूमंस का, एशिया में सेटल हुआ, इंडिया में सेटल हुआ. इंडिया में बहुत देर तक रहे शायद, और जब आइस एज कम होने लगा, जब वो आइस मेल्ट होने लगी, तो फिर इंडिया से और दूसरी जगह जाने लगे. आई थिंक क्या हुआ था कि जो आउट ऑफ अफ्रीका माइग्रेशन हुआ था वो अबाउट 70-75,000 ईयर्स आज से पहले हुआ था. उस टाइम पर शायद आइस एज नहीं था. okay. जो पिछला जो आइस एज था वो अबाउट 20-25,000 ईयर्स पहले का था. ओके. वट इज द मेन आइस एज बिफोर टुडे. ओके. और उस समय ह्यूमन बींग्स नॉर्थ अमेरिका में पहुंचे वाया लैंड रूट. ओके. द बेरिंग स्ट्रेट जो उस टाइम पे फ्रोजन था, तो दे कुड क्रॉस बाय फुट. और फिर एक दूसरा छोटा आइस एज आया अबाउट 12-13,000 साल पहले, जब ये यंगर ड्रायस इवेंट हुआ, ग्रीनलैंड में एक कॉमेट या मीटियोर का क्रैश हुआ था, और उस टाइम पे वापस थोड़ा एक 2,000 साल फिर से आइस एज आ गया. तो ये दो रीसेंट इवेंट्स हैं, बट ह्यूमन माइग्रेशन इससे डेफिनेटली इन्फ्लुएंस हुआ है, लेकिन इंडिया में उसका इफेक्ट कम हुआ था. बट बेसिकली मतलब मेन पॉइंट ये है कि इंडिया में बहुत लोग थे और वहाँ से हर जगह चले, हर डायरेक्शन में गए. यस. ये एग्जैक्टली इंडिया से रिलेटेड नहीं है, बट अलग अलग रेसेस अलग अलग दिखते क्यों है? इट्स बिकॉज ऑफ वेदर, कि एक यूरोपियन एक तरह का दिखता है, अफ्रीकन एक तरह का दिखता है, फिर चाइनीज एक तरह के दिखते हैं. ये क्लाइमेट के ऊपर डिपेंड करता है. अगर आप इंडिया में रहते हो तो आपको एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सनलाइट मिलता है एवरी डे, और अगर ज़्यादा सनलाइट हमने अब्जॉर्ब कर लिया तो हमें कैंसर हो जाएगा या कुछ हो जाएगा, तो हमारा स्किन उसके लिए थोड़ा सा डार्क होता है. अगर आप अफ्रीका में रहते हो इक्वेटर के पास, तो वहाँ बहुत इंटेंस सनलाइट आता है, तो उसके लिए स्किन को और मेलानिन प्रोड्यूस करना पड़ता है, तो इसके लिए और वहाँ पे स्किन और डार्क है. अगर आप नॉर्दर्न लैटिट्यूड्स में रहेंगे, जैसे कि नॉर्दर्न यूरोप एक्सेट्रा, वहाँ पे बहुत कम सनलाइट मिलती है, और सनलाइट से हमें विटामिन डी मिलता है, तो उसके लिए स्किन को लाइट करना पड़ेगा. तो दिस हैपन्स ओवर लाइक 10-15 जनरेशंस, अपने आप बॉडी अडाप्ट हो जाता है. तो इसके लिए अगर आप मंगोलिया में रहेंगे, वहाँ पे हर जगह आइस है, स्नो है, और स्नो ब्लाइंडनेस बहुत बड़ा प्रॉब्लम है वहाँ पे. सो दैट्स व्हाई द आइज नीड टू बी स्मॉलर, आइज कम खुली रहनी पड़ती है. तो इसके लिए धीरे धीरे उनकी आंखें छोटी हो गई. तो ये बहुत सुपरफिशियल फीचर्स है, अंदर हम सब एक ही है एक्चुअली. तो सर आई थिंक ये बात हो गई ओरिजिनल वो इंडियन जेनेटिक सिग्नेचर के बारे में. बट एक और बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है कि इंडिया से जो माइग्रेशन हुई, पहले तो एक बड़ी माइग्रेशन हुई थी टूवर्ड्स ऑस्ट्रेलिया, और ये भी हिस्ट्री टेक्स्ट बुक्स में कम बताया गया है कि ऑस्ट्रेलिया में कौन रहता है. रिकी पॉन्डिंग के एंसेस्टर्स, ग्लेन मगरा के एंसेस्टर्स, जो एक्चुअली ब्रिटिशर्स थे. ब्रिटिश ने वहाँ आई बिलीव जेल में जेल ओपन एयर जेल बना दिया था ऑस्ट्रेलिया को. ओके. मतलब जो उनके जो कन्विक्ट थे, कन्विक्ट उनको देश से निकाला और ऑस्ट्रेलिया में भेज दिया. आप वहाँ पर जाके आओ, आप कभी वापस नहीं आओगे. पर उसके साथ साथ वहाँ कौन रहते थे? ऑस्ट्रेलियन एबोरिजिनीज, जो ओरिजिनली ऑस्ट्रेलियन ट्राइबल लोग थे. हाँ. तो अगर उनका भी जीनेटिक स्कैन अगर आप करोगे, आपको वही वो R1A1A. तो ऑस्ट्रेलिया के जो एबोरिजिन्स हैं, वो ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स हैं ऑस्ट्रेलिया के, वो कम से कम 50-60,000 साल से वहाँ पर रह रहे हैं. वाओ. अभी उनका अगर हम DNA और जेनेटिक प्रोफाइल को स्टडी करते हैं, तो क्या मिला है हमें आज रिसेंटली, कि अराउंड 4,500 ईयर्स बिफोर टुडे उनका जेनेटिक प्रोफाइल चेंज हुआ, उसमें इंडियन जेनेटिक्स का एंट्री हुआ. तो आज आप अगर किसी भी एवरेज ऑस्ट्रेलियन अबोरिजिनल पर्सन को देखेंगे, उसका DNA टेस्ट करेंगे, तो उसमें अप्रॉक्सीमेटली 12% DNA इंडियन ऑरिजिन है. नॉट नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन, जस्ट इंडियन. तो अराउंड 4,500 साल पहले क्या हुआ कि इंडियन लोग इंडिया से निकले और ऑस्ट्रेलिया पहुँचते ships पे, शायद मोस्ट लाइकली ships पे, क्योंकि लैंड रूट बहुत लंबा है. इट इज़ मच ईजियर टू ट्रैवल बाई शिप, और इंडिया में नेवल कैपेबिलिटी हमेशा से थी. क्योंकि ऋग्वेद में भी बड़े बड़े ships की बात की गई है, जिसके 100-100 oars थे. सो इंडियंस मोस्ट लाइकली सी रूट से ऑस्ट्रेलिया पहुँचे, और वहाँ पर वो वहाँ घुल मिल गए, और उनका आज भी जेनेटिक सिग्नेचर वहाँ के लोगों को में मिलता है. सो ऑस्ट्रेलियन अबोरिजिनल पीपल में इंडियन DNA है अबाउट 12%. और उसी टाइम पर ऑस्ट्रेलिया में एक नया प्राणी आया
द वाइल्ड डिंगो जो ऑस्ट्रेलियन कुत्ता है, वाइल्ड कुत्ता जो इंडियन कुत्ते जैसा ही दिखता है, वही ब्राउन कलर का मीडियम साइज इंटेलिजेंट वही है, वो भी उसी टाइम पे आया ऑस्ट्रेलिया में, उसके पहले कभी था नहीं। और उसी टाइम पर अगर आप आर्कियोलॉजिकल रिकॉर्ड देखेंगे ऑस्ट्रेलिया का, तो वहाँ पर नए टूल्स आ गए उसी टाइम पर। सो ये सब नया टेक्नोलॉजी, नया कुत्ता, नया डीएनए सब इंडिया से आया है अबाउट 4,500 ईयर्स अगो। क्या सोच के इंडिया से निकले होंगे लोग उस टाइम पर? इंडिया में सो कॉल्ड हरप्पन फेज चल रहा था और उसी टाइम के आसपास इंडियन जेनेटिक्स वेस्ट में भी मिलते हैं, सीरिया में, मित्तानी किंगडम एक्सेट्रा। तो मुझे लग रहा है कि उस टाइम पर इंडियंस हर जगह घूमने बाहर निकले थे इंडिया से, अलग अलग डायरेक्शन में। एक तो ऑस्ट्रेलिया पहुंच गए, एक पूरे वेस्ट में पहुंच गए, सीरिया और एनाटोलिया, टर्की में। शायद कोई किंगडम ने भेजा होगा, शायद किसी किंगडम ने भेजा होगा, या फिर शायद इतने रिच हो गए थे इंडियंस के कहीं कहीं और जाते हैं, कुछ नया दिखते हैं। इसका कारण क्या है हम आज नहीं जान सकते हैं, लेकिन डेफिनेटली उस टाइम पे इंडिया से, इंडिया के बाहर बहुत सारे आउटवर्ड माइग्रेशन हुए थे क्लियरली। मैंने सुना है कि वो जो आइस एज की बात कर रही थी हमने अभी, आई डोंट नो वेदर ऋग्वेद है या कोई और एंशियंट किताब है, उसमें बेसिकली एक डिस्क्रिप्शन दी गई है, अफ्रीका में ये था, साउथ अमेरिका में ये है। तो द क्वेश्चन इज ऑलवेज इन माई हेड कि उनको कैसे पता था कि साउथ अमेरिका में क्या है? साउथ अमेरिका इतना दूर है, पर ये कैसे पता कि वहाँ एक अमेजोन नाम का एक फॉरेस्ट है, वहाँ ऐसा टाइप का एक सिविलाइजेशन है? दी ओनली आंसर आई हैव इज कि उन्होंने शायद शिप्स डिवेलप किए होंगे एंड दे हैव फिगर्ड आउट हाउ टू ट्रैवल बाय शिप। शायद इंटर कॉन्टिनेंटल ट्रैवल भी हुआ रहेगा तभी। हमारे पास एविडेंस तो है कि इंडियन लोग कहाँ कहाँ नहीं पहुँच गए थे। फॉर एग्जाम्पल इजिप्ट में अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर 4,000 साल पहले इंडियन कैटल थे, जीबू कैटल, जीबू कैटल जो इंडियन ओरिजिन कैटल है, वो कहीं और से नहीं निकले, इंडिया से ही निकले हैं। अगर आप मेडिटेरेनियन रीजन में देखेंगे, वहाँ पर एक आइलैंड है, शायद संतोरिनी है उसका नाम, वहाँ पर लंगूर के पेंटिंग थे। अब लंगूर सिर्फ इंडिया में पाए जाते हैं और ये 5,000 साल पुराना सिविलाइजेशन है, वहाँ पर इंडिया से लंगूर पहुँच गए थे। तो इंडियंस बहुत हज़ार साल से ट्रैवल कर रहे हैं, सी वोएजेस, लैंड वोएजेस, मोस्टली सी वोएजेस, क्योंकि इंडिया का नेवल कैपेबिलिटी बहुत था उस टाइम पे, टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस था उस टाइम में। सो डेफिनेटली इट इज़ पॉसिबल कि वो साउथ अमेरिका भी पहुँचे होंगे, नॉर्थ अमेरिका भी पहुँचे होंगे। आज हमारे पास एविडेंस नहीं है, लेकिन एविडेंस नहीं मिला है इसका मतलब नहीं कि ये नहीं हुआ है, पॉसिबिलिटी है। और पिछले पॉडकास्ट में हमने एविडेंस की बात करी थी कि एविडेंस शायद जलाया गया है, एविडेंस शायद डिस्ट्रॉय किया गया है बाय इन्वेजन्स, तो ये भी एक पॉसिबिलिटी है ऑफ लॉस्ट हिस्ट्री। यस सर, तीसरा पॉइंट, मे बी वी शुड हाईलाइट द फैक्ट कि जो हिस्ट्री हमें सिखाई गई है वो गलत हिस्ट्री है। हमें बोला गया है कि हमारे सिविलाइजेशन की शुरुआत हुई थी हरप्पा के साथ, हरप्पा मोहनजोदारो के साथ 2,500 ईयर्स बैक, पर अभी हमें नई हिस्ट्री मिल रही है। और जो हिस्ट्री भारतीय बच्चों को सिखाई जाती है कि नहीं, हरप्पा मोहनजोदारो से स्टार्ट हुआ था, वो कैंसिल करना चाहिए हमें कि यार ये नहीं हुआ था। और अभी आर्कियोलॉजिकल प्रूफ भी मिला है कि यार ये सब हुआ। आपके ही पॉडकास्ट में मैंने एक बात सुनी थी कि अगर आप वाराणसी की हिस्ट्री को स्कैन करोगे, बनारस की हिस्ट्री को स्कैन करोगे, तब आपको ये पता चलेगा कि बनारस और मोहनजोदारो का एज रफली सेम ही है। जब मोहनजोदारो था तभी बनारस भी उतना ही ज़्यादा डेवलप था। तो वुड यू लाइक टू हाईलाइट दैट एज द थर्ड पॉइंट? बनारस में आर्कियोलॉजिकल थोड़ा बहुत काम हुआ है और उससे मालूम पड़ा है कि कम से कम 5-6,000 साल पुराना है ये सिटी। और अगर आप और ढूंढेंगे तो और भी मिलेगा। नॉट ओनली वाराणसी, बहुत सारे ऐसी जगह है जो बहुत पुरानी है। अभी बंगाल के आसपास ईस्टर्न एरिया में चंद्रकेतुगढ़ नाम का एक ये रीजन है, वहाँ पर कितना कुछ मिला है। पाटलिपुत्र कितना पुराना है, पटना, वहाँ पर कितना कुछ आर्कियोलॉजिकल रूइंस है जिसको किसी ने एक्सप्लोर नहीं किया है, कुछ काम नहीं हो रहा है। लद्दाख में कुछ 11-12,000 साल पुराना सेटलमेंट मिला है। हरियाणा में कुछ 9,000-9,500 साल पुराना, ऑलमोस्ट 10,000 साल पुराना ये हरप्पन साइट मिला है, भिराना। और हम जानते हैं कि जो हरप्पन ईरा का जो हमारा फेज था, उसके कम से कम 99% आर्कियोलॉजिकल साइट्स, हज़ारों हैं, उसको किसी ने आज तक एक्सप्लोर नहीं किया है, रिसर्च नहीं किया है। तो ये हम जब शुरू करेंगे तो और पुराना हिस्ट्री निकलने वाला है। तो अब हमारा हिस्ट्री कम से कम 10-15-20 साल पुराना है, लेकिन हमने कुछ खोजा नहीं है, कुछ रिसर्च नहीं किया। इसके लिए हम सोच रहे हैं कि सिर्फ 4-5,000 साल पुराना इंडियन हिस्ट्री है। अभी अगर आप टेक्स्ट बुक्स को देखेंगे तो उसमें किसी भी टेक्स्ट बुक में इंडियन हिस्ट्री सिर्फ गौतम बुद्ध और मौर्यन ईरा से शुरू होता है, विच इज़ 2,500 ईयर्स बिफोर टुडे। तो ये सब क्या था, हरप्पा मोहनजोदड़ो, ये जो
कालीबंगान है, बिराना है, राखीगढ़ी है, ये कितने हज़ारों साल पुराने सिटीज़ हैं, वेल लेड आउट आर्कियोलॉजिकल साइट्स है. उनका जो ग्रिड नेट ग्रिड सिस्टम था सिटी प्लानिंग का, वो आज के इंडियन सिटी से बेटर था. उनका जो ड्रेनेज सिस्टम्स थे वो आज के इंडियन सिटी से बेटर थे. इतना एडवांस्ड फुल्ली अर्बनाइज्ड सिविलाइजेशन था, बिगर देन इजिप्ट एंड मेसोपोटामिया पुट टुगेदर. इतना वास्ट था. और हमने सिर्फ वेस्टर्न एरिया में देखा है, सप्त सिंधु रीजन में, लेकिन पूरा इंडिया इंटरकनेक्टेड था. अगर हम ढूंढेंगे नहीं तो ये मिलेगा नहीं. तो पूरा हिस्ट्री बहुत ही डीप है हमारा. और इंडियन गवर्नमेंट ने भी आर्कियोलॉजी को फंड नहीं किया ज़्यादा अभी तक. अगर फंड करेंगे तो ये सब चीज़ें मिल जाएंगी, बट द क्वेश्चन इज कि फंड क्यों नहीं किया. अजीब बात है कि फंड नहीं किया गया, फंड नहीं किया है. अगर आप इजिप्ट में देखेंगे तो इजिप्शियन आर्कियोलॉजी टूरिज्म का बहुत बड़ा रेवेन्यू जनरेटर है. बहुत हज़ारों लाखों टूरिस्ट को खींचता है, क्योंकि वहाँ पे इतना इंटरेस्टिंग आर्कियोलॉजी है और उसको अच्छे से प्रेजेंट किया है, उसको वेल मेंटेन किया है. अगर इंडिया में इतने पुराने और इतने मोन्यूमेंटल आर्कियोलॉजिकल साइट्स है, तो अगर उनको हम एक्सकवेट करेंगे और ठीक से प्रिजर्व करेंगे और शोकेस करेंगे, तो लाखों टूरिस्ट आएंगे इंडिया में भी, क्योंकि ये इजिप्ट से काफ़ी बड़ा है. इजिप्ट से काफ़ी पुराना है, किसी भी जगह से पुराना है और सबसे एडवांस्ड है. तो ये मुझे समझता नहीं कि इंडियन गवर्नमेंट क्यों नहीं करती है. करना चाहिए, टूरिज्म को बूस्ट मिलेगा. टूरिज्म सबसे, पैसे की बात करता तो टूरिज्म से पैसा आएगा, है ना. आई फील कि ये होगा अगले 25-50 सालों में, होपफुली. आई होप सो थ्रू दिस पॉडकास्ट मे बी. अगर कोई पॉलिटिशियन ये देख रहा है तो प्लीज टारगेट दैट. सर, चौथा पॉइंट, आई फील कि हमें सेल्टिक्स, केल्टिक्स, सीरियंस, ईस्टर्न यूरोपियंस, इन सब लोगों की भी बातें करनी चाहिए. पिछले पॉडकास्ट में हमने रोमानी लोगों की बातें करी, पर रोमानी फिर भी एक रीसेंट फिनोमिनन है. और मैंने उस एपिसोड के बाद जाना कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो भी एक रोमानी है, तो उनके अंदर भी शायद गुजराती खून है, सिंधी खून है. बट लेट्स टॉक एक्चुअली अबाउट यूरोपियंस, जो असली यूरोपियंस है, जो वाइट स्किन्ड यूरोपियंस है. यहाँ तक स्कॉटलैंड और आयरलैंड में जहाँ केल्टिक कल्चर है, वहाँ तक भी इंडियन कल्चर पाया जाता है. तो ये समझा दो सर ऑडियंस को. ये बहुत पुरानी हिस्ट्री है. अभी अगर आज हम यूरोप को देखेंगे तो अनटिल रिसेंटली यूरोप एक क्रिश्चियन कॉन्टिनेंट था, लेकिन इसके पीछे एक और कहानी है. क्रिश्चियनिटी 1,500 साल पहले यूरोप के ऊपर इम्पोज की गई बाय फोर्स. उसकी हिस्ट्री अलग है, उसके अंदर नहीं जाएंगे. लेकिन यूरोप की प्री क्रिश्चियन हिस्ट्री बड़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि जो यूरोप का जो प्री क्रिश्चियन कल्चर था वो हर जगह अलग अलग था. जैसे कि आज इंडिया में हिंदुइज़्म अलग अलग तरीके से मनाया जाता है विद इन इंडिया. और ये जो पूरा कल्चर था यूरोप का, वेदर इट इज़ आयरलैंड, स्कॉटलैंड, फ्रांस, स्पेन, जर्मनी, ग्रीस, रोम या फिर इंडिया, ये पूरा एक सिंगल कल्चरल कंटिन्यूम था. एक ही कल्चर था जिसके अलग 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 लोकल मैनिफेस्टेशंस थे. लेट मी गिव यू एन एग्जांपल. इंडिया में वैदिक समय में सबसे महान भगवान कौन थे? इंद्र थे. अभी इंद्र के दो महान मेन हथियार हैं, एक तो है वज्र जिसका बोलते हैं थंडरबोल्ट, और दूसरा भी वज्र है जो है हैमर. अभी ये जो देवता है इंद्र, उसका ट्रांसलेशन हुआ ग्रीस में ज्यूस, जो भी थंडर गॉड है और हैमर गॉड है. रोम में ज्यूस बिकेम जुपिटर, थंडर गॉड, हैमर गॉड. थॉर इज अ थंडर गॉड, हैमर गॉड. अभी इंडियन मिथोलॉजी में जो इंद्र है, उसने एक महान राक्षस सांप को हराया था जिसका नाम था वृत्र, क्योंकि वृत्र ने पूरे समुद्र को कब्जे में कर लिया था और पूरी दुनिया सूखी पड़ रही थी. तो इंद्र ने इस महान सी मॉन्स्टर को डिस्ट्रॉय किया. थॉर ने भी वही किया, जुपिटर ने भी वही किया, और ये ज़ूस ने भी वही किया. लेकिन सबसे पुराना भगवान कौन है? इंद्र है. तो यहाँ से ये पूरा रूट है इस कल्चर का, और ये एक हिस्सा हो गया. सो सेम कल्चर एवरीवेयर, लेकिन उसके बहुत अलग अलग लोकल मैनिफेस्टेशन है. अभी एक दूसरी इंटरेस्टिंग कहानी है आयरलैंड की. तो आयरलैंड में एक जो फाउंडेशनल मिथ है कि आयरलैंड के जो का फाउंडेशन कैसे हुआ था, तो ये मिथ क्या है कि एक मदर गॉडेस थी जिसका नाम था दनु. शी वॉज द फाउंडर ऑफ द मिथोलॉजिकल आयरिश पीपल जो कहीं और से आए थे. और उन्होंने आयरलैंड में
अपनी सेटलमेंट किया. सो दानु इज द रिवर गॉडेस, शी इज द प्री क्रिश्चियन मदर गॉडेस ऑफ आयरलैंड. अभी ऋग्वेद में भी एक दानु है, जो ऋग्वेद वाली दानु है वो भी एक रिवर गॉडेस है. और यूरोप में बहुत सारी नदियां हैं, डैन्यूब, डॉन, नाइपर, नाइस्टर, दुनियावेक, बहुत सारी नदियां हैं जिसका रूट, जिसका नाम का रूट वर्ड है दानु. और जो पुरानी स्कीथियन भाषा थी, शक लोग थे, उनकी भाषा में भी पानी का नाम था दानु. सो दिस शोज के ग्रेजुअली वेस्टवर्ड माइग्रेशन हुआ कुछ पुराने इंडियन लोग का, जो दानु के पुजारी थे, जिनको बोलते हैं आज दानव. ये लोग वेस्टवर्ड जाते रहे, हर नदी जो उनको मिली उसको दानु का नाम दिया, और इवेंचुअली दे एंडेड अप इन आयरलैंड. और आयरलैंड के भी फाउंडेशनल मदर गॉडेस, रिवर गॉडेस दानु है. और आयरलैंड में भी इंडियन जेनेटिक्स है. ओके, R1A1A. और शायद स्कॉटलैंड में भी. हाँ, आयरलैंड, स्कॉटलैंड, सारे केल्टिक लोग एक ही है, एक ही एथनिसिटी के लोग हैं. तो आयरलैंड में भी है, स्कॉटलैंड में भी है, फ्रांस में भी है, स्पेन में भी है. आई फील कि ये ईस्टर्न यूरोप, आयरलैंड में कल्चरल पैरेलल्स भी है. मतलब जिस तरह से वो भी फैमिली ओरिएंटेड कल्चर होता है, बहुत सारे कल्चरल पैरेलल्स है एज कम्पेयर टू इंडियन कल्चर. बहुत सारे. अब अगर आप स्लाविक वर्ल्ड देखेंगे, रशियन वर्ल्ड, रशियन कंट्री, अगर लिथुएनिया देखेंगे, लिथुएनिया में आज भी अश्विन्स को एक ऑस्पिशियस सिंबल माना जाता है. ऋग्वेद में दो भगवान थे, अश्विन्स ट्विंस, जो नकुल और सहदेव के पिता थे, ऐसा कुछ था. यस, जो हॉर्स ट्विंस थे. तो आज भी लिथुएनिया में घरों के ऊपर दो हॉर्स ट्विंस का एक एफिजी बनाया जाता है, उसको वो लोग अश्विन ही बोलते हैं. तो ये बहुत पुराना कल्चर है जो यहाँ से निकला है, क्योंकि दुनिया में कहीं भी इतना पुराना एविडेंस नहीं है इस कल्चर का, एक्सेप्ट फॉर इंडिया. तो ये हर जगह फैला हुआ था कल्चर, एक ही कल्चर था, उसके बहुत छोटे छोटे लोकल मैनिफेस्टेशंस थे. सारे भगवानों के अलग अलग नाम थे, लेकिन ट्रेडिशंस वही थे, स्टोरीज वही थी. तो ये यूरोप की हिस्ट्री, पुरानी हिस्ट्री. आई फील कि अगर आप एंशिएंट हिस्ट्री को स्टडी करोगे तो आपको तीन शायद सिग्निफिकेंटली डिफरेंट कल्चर्स मिलेंगे. एक ये है जो हम कह रहे हैं इंडिया का, इंडो यूरोपियन कल्चर, इंडो यूरोपियन. दूसरा शायद अफ्रीकन है, जो इजिप्ट से स्प्रेड हुआ. और तीसरा पूरे अमेरिकाज में शामनिज्म, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका में जो नेटिव अमेरिकन्स है उनका भी एक कल्चरल पैरेलल है. तो तीन लैंड मासेस है, ये तीन कल्चर स्प्रेड हुए, आई थिंक, मे बी. या, मेक सेंस, यस. तो चलो अभी थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करके फ्रॉम एंशिएंट कल्चर, आई थिंक हमारे पिछले पॉडकास्ट के नीचे एक कॉमेंट आया था अहोम डायनेस्टी के बारे में. ये एक नॉर्थ ईस्ट इंडिया की डायनेस्टी है. और नॉर्थ ईस्ट की बातें करते हैं सर, वो इंडिया का बहुत ही सुंदर हिस्सा है, अनएक्सप्लोर्ड हिस्सा है आई फील, बट हिस्टोरिकली भी अनएक्सप्लोर्ड है. तो सर अहोम डायनेस्टी के बारे में कुछ बता दो. और इवन इफ यू वांट टू टेक द सिक्स पॉइंट अबाउट नॉर्थ ईस्ट, गो फॉर इट. ये फिफ्थ पॉइंट है. ओके, सो अहोम डायनेस्टी बहुत सिग्निफिकेंट डायनेस्टी है नॉर्थ ईस्ट में. असमीज डायनेस्टी, असम का नाम ही अहोम से आता है. ओके, तो ये जो अहोम लोग जो थे वो एक्चुअली एक ताई एथनिसिटी ग्रुप है, ताई एथनिक ग्रुप है, ताई स्लैश दाई. तो थाईलैंड का नाम है ना, ये ताई एथनिसिटी से निकला है. और यूनान प्रोविंस जो है आज चाइना में, वो भी ताई लोग है. वो एक्चुअली चाइनीज नहीं है, दे आर एथनिकली ताई. तो ये अहोम के जो एंसेस्टर्स थे ये भी ताई थे. वो ईस्ट से आए ब्रह्मपुत्र वैली में, यहाँ पर सेटल डाउन हुए, और उन्होंने लोकल कल्चर को अडॉप्ट किया, और अच्छा खासा एक बहुत स्टेबल एक साम्राज्य बनाया, अहोम डायनेस्टी. तो इन्होंने, इनका सबसे बड़ा अचीवमेंट ये है कि पहले तो 5-6 सेंचुरी इन्होंने राज किया इस जगह पे. पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, बहुत ब्यूटीफुल कल्चर, बहुत सारा कल्चरल फ्लावरिंग हुआ वहाँ पे. बहुत डिस्टिंक्टिव कल्चर उन्होंने बनाया वहाँ पे, अ मिक्स ऑफ ताई कल्चर एंड इंडियन कल्चर, विच इज़ डिस्टिंक्टिवली असमीज. और उन्होंने दूसरा सबसे बड़ा अचीवमेंट क्या किया कि उन्होंने नॉर्थ ईस्ट इंडिया को मुगलों से बचाया. ये जो मुगल थे टर्क्स, उन्होंने बार बार इन्वेड किया नॉर्थ ईस्ट इंडिया को, बेसिकली ब्रह्मपुत्र रीजन, आसाम जो आज गुवाहाटी है, एक्सेट्रा. औरंगजेब के टाइम पे, उसके पहले भी, ये अहोम डायनेस्टी ने बार बार उसको हराया, उन लोगों को. और कभी भी मुगलों को, टर्क्स को नॉर्थ ईस्ट में आने नहीं दिया, उनको आने से रोका. तो एक बहुत महान उनके सेनापति थे लच्छित बोरफुकन, उन्होंने एक बहुत बड़ी नेवल बैटल की ब्रह्मपुत्र के ऊपर, और ये
मुगल नेवल फ्लीट को उन्होंने डिस्ट्रॉय किया वहाँ पे. तो ये उनका एक बहुत बड़ा हाईलाइट है अहोम डायनेस्टी का. सो दे आर द सेवियर्स ऑफ द नॉर्थ ईस्ट फ्रॉम द टर्क्स. तो दैट्स समथिंग अबाउट द अहोम्स. सर आई फील कि मतलब जैसे हमें एंशियंट हिस्ट्री के बारे में नहीं सिखाया जाता इंडियन हिस्ट्री में, नॉर्थ ईस्ट की हिस्ट्री के बारे में भी नहीं सिखाया जाता. तो नॉर्थ ईस्ट की हिस्ट्री एग्जैक्टली क्या है? नॉर्थ ईस्ट की हिस्ट्री बहुत इंटरेस्टिंग है, लेकिन एज यू सेड मार्जिनलाइज जगह है. सो नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया जियोग्राफिकली अगर आप देखेंगे तो इट इज़ काइंड ऑफ पार्ट ऑफ साउथ ईस्ट एशिया. काइंड ऑफ इट्स लाइक इंडियाज फुटप्रिंट इनटू साउथ ईस्ट एशिया. और वहाँ पे जो एथनिक ग्रुप्स है नॉर्थ ईस्ट में वो भी काफ़ी साउथ ईस्ट एशियन से क्लोज है. राइट. सो वहाँ पे आज अलग अलग स्टेट्स है, मणिपुर है, आसाम है, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, इट्स अरुणाचल प्रदेश एट्सेट्रा. तो जो सिग्निफिकेंट हिस्ट्रीज है वो आसाम की है और मणिपुर की है. तो मणिपुर का बेसिकली पूरा अलग ही 2,500-3,000 साल पुरानी हिस्ट्री है. उनका उनकी उनका जो रिकॉर्ड्स है किंग्स के, दे गो बैक अबाउट 3,500 ईयर्स. और काफ़ी स्टेबल किंगडम था उनका, स्टेबल एम्पायर टाइप का था. एक टाइम पे मणिपुर के किंग ने यूनान प्रोविंस को भी कैप्चर किया था चाइना का. और उनके बहुत सारे बर्मा से वॉर्स हुए थे, कभी बर्मा जीतता था कभी मणिपुर जीतता था एक्सेट्रा. एंड आसाम लाइक आई सेड उन्होंने नॉर्थ ईस्ट को बचाया मुगल से. तो मणिपुर का इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है, आसाम का इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है, त्रिपुरा बेसिकली उनका भी आजकल इट इज़ मोर बंगाली त्रिपुरा, लेकिन पहले वहाँ पर त्रिपुरी किंगडम था. तो उनका भी अलग से हिस्ट्री है. ये सब बहुत कम सिखाया जाता है. आई थिंक उधर लोकली भी उसकी ये हिस्ट्री के बारे में ज़्यादा वो एक्सपोजिशन नहीं है टेक्स्ट बुक्स में. सो आई थिंक इंडिया नीड्स टू पे मोर अटेंशन टू नॉर्थ ईस्ट, क्योंकि बहुत सुंदर जगह है. एथनिक ग्रुप्स बहुत अलग अलग है. नागालैंड है फॉर एग्जाम्पल, जो जिसका भी बहुत इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है. उनका कल्चर पूरा बदल गया है पिछले 100 साल में, सब क्रिश्चियन हो गए हैं. पहले उनके अलग इंडिजिनस कल्चर था जो अभी अनफॉर्चुनेटली वाइप आउट हुआ है. सो काफ़ी ट्यूमल्टुअस हिस्ट्री है. सेकंड वर्ल्ड वॉर में काफ़ी उनका प्रेजेंस था. फॉर एग्जांपल बैटल ऑफ कोहिमा, बैटल ऑफ इम्फाल, जहां पर जापानीज एडवांस फाइनली रोका गया और पीछे धकेला गया. दिस इज़ द 1940s. बहुत मतलब बहुत ही इंटेंस बैटल्स हुए थे बिटवीन द इंडियन ब्रिटिश आर्मी, ब्रिटिश इंडियन आर्मी एंड द जापानीज एंड द INA, इंडियन नेशनल आर्मी, सुभाष चंद्र बोस. तो ये सब पिवोटल बैटल्स थे सेकंड वर्ल्ड वॉर के. द बैटल ऑफ द रेड हिल, जिसके बारे में कोई जानता नहीं है आज, बहुत ब्लडी बैटल था जहाँ पर जापान को हार मिली थी. तो काफ़ी डीप हिस्ट्री है वहाँ की, वेरी इंटरेस्टिंग. सर बर्मा इंडिया का पार्ट क्यों नहीं है? क्योंकि आफ्टर इंडिपेंडेंस हमने जाने दिया बर्मा को. आई मीन अगर नॉर्थ ईस्ट हमारा पार्ट है तो बर्मा भी होना चाहिए, क्योंकि कल्चर तो एक ही है. राइट. अगर आज उसको आज आप बुद्धिज्म बोलेंगे उसको, विच इज स्टिल पार्ट ऑफ इंडियन कल्चर. सो इट वॉज बर्मा डेफिनेटली ब्रिटिश इंडिया और ब्रिटिश राज का हिस्सा था. वहाँ पे बहुत सारे इंडियंस थे, बर्मीज भी इंडिया में थे. फॉर सम रीज़न एज एन एक्सीडेंट ऑफ हिस्ट्री बर्मा को अलग कर दिया गया. और आज पूरा फिर उन्होंने काइंड ऑफ एथनिक क्लिनजिंग किया था बर्मा में. बहुत सारे इंडियंस थे वहाँ पे, सबको भगा दिया. फिर भी आज बहुत सारे, फिर भी काफ़ी सारे इंडियंस है बर्मा में जो बर्मीज भाषा बोलते हैं एट्सेट्रा, जो मोस्टली रंगून में रहते हैं. और उधर हिंदूज भी है आई थिंक बर्मा में काफ़ी सारे. तो यह बर्मा होना चाहिए था इंडिया का हिस्सा, बट मे बी इट इज़ या आई थिंक इट इज़ नॉट गुड फॉर बर्मा, क्योंकि आज बर्मा में मिलिट्री रूल है. एटलीस्ट इंडियन डेमोक्रेसी होती वहाँ पे अगर बर्मा इंडिया का हिस्सा होता. वही सर, चलो सातवें पॉइंट के बारे में बात करते हैं कि अगर पार्टीशन नहीं हुई होती, जैसे आई थिंक एक हमने अभी एक जियोपॉलिटिकल पॉडकास्ट शूट किया, उसमें हमने खान अब्दुल गफर खान की स्टोरी बोली कि वो एक फ्रीडम फाइटर थे नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में. हाँ. और जब पार्टीशन हो गई तो उन्होंने गांधी जी से कहा कि आपने मुझे भेड़ियों के पास फेंक दिया, भेड़ियों के हवाले कर दिया. भेड़ियों के हवाले कर दिया. हाँ. उन्होंने कहा कि आपने हमें भेड़ियों के हवाले कर दिया, यू थ्रोन मी टू द वुल्व्स. वो पार्टीशन नहीं चाहते थे. नहीं चाहते. और 1946 और 47 में बहुत सारे लोग पार्टीशन नहीं चाहते थे. एवरीवन वांटेड इंडिया एंड पाकिस्तान टू बी वन नेशन. और एक तरह से ब्रिटिश ने एंड में भी डिवाइड एंड रूल करके ही हमें छोड़ दिया कि नहीं, ऐसा बताया कि नहीं ये एक पीसफुल सेपरेशन होगी आपके खुद के पीस के लिए टू अवॉइड सिविल वॉर, बट ये एक महा सिविल वॉर हो गई. क्योंकि उसके बाद भी इंडिया और पाकिस्तान के इतने सारे वॉर्स हो गए. ये भी सिविल वॉर ही है, अभी न्यूक्लियर सिविल वॉर का थ्रेट है.
अगर वो सेपरेशन नहीं हुई होती पहले तो हम हिस्ट्री का हर क्रिकेट वर्ल्ड कप जीतते और टू बहुत सारे इकोनॉमिक फ़ायदे होते आई फील बिकॉज पाकिस्तान भी बहुत स्ट्रेटेजिक लोकेशन में है, इट्स द एंट्री टू द मिडल ईस्ट. एक ज़माने में अफगानिस्तान भी इंडिया का पार्ट था. बिल्कुल, स्पेशली एंशियंट ज़माने में. महाभारत में एक कैरेक्टर है कौरव्स की माता श्री गांधारी, जो गांधार से थी. गांधार बिकेम कंधार जो बाद में अफगानिस्तान बन गया. तो आई फील कि पहले सब अफगानिस्तान से लेकर बर्मा तक सब कुछ इंडिया ही था. बट ये सेपरेशन कब हुआ अकॉर्डिंग टू यू? आई थिंक मौर्यन साम्राज्य के टाइम पर सब कुछ इंडिया में था. बर्मा तक नहीं था शायद उस टाइम पे. ओके, लेकिन डेफिनेटली गांधार था. पूरा पाकिस्तान जो आज है सब कुछ था. फिर मौर्यन साम्राज्य के बाद गुप्ता साम्राज्य भी आया जिसमें भी काफ़ी सारा इंडिया फिर से यूनाइट हुआ था. लेकिन बीच बीच में ऐसे साइकिल्स आते रहते हैं जब इंडिया के अलग अलग छोटे छोटे किंगडम्स होते हैं. फिर ये जब ये जो टर्किक इन्वेजन्स हुए उसमें फिर अफगानिस्तान जो आज है उसका कल्चरल और एथनिक कैरेक्टर बदलने लगा. फिर भी जब ये जो मुग़ल आए थे टर्क्स, अकबर, जब अकबर ने इंडिया का इन्वेजन किया था तब इंडियंस ने और अफगान्स ने साथ में मिलकर उसको फाइट किया था. तब हमारा राजा था राजा हेमू जिसकी पूरी आर्मी अफगान थी और उसने दिल्ली को कैप्चर किया. वहाँ पर उसको एम्परर का कोरोनेशन हुआ उसका और फिर उसने अकबर से लड़ाई की और अनफॉर्चुनेटली उसकी डेथ हो गई. तो अकबर ने उसका सर काट कर काबुल भेजा क्योंकि वो काबुल का किंग था बिकॉज उसके सारे सोल्जर्स वहाँ के थे. तो उस टाइम पर भी, अकबर के टाइम पर भी, अफगानिस्तान और इंडिया साथ में ही लड़े थे अगेंस्ट द टर्किक इन्वेडर्स. क्योंकि अफगान और इंडियंस का ब्लड तो एक ही है. रिलीजन बदल गया हो डजंट मैटर, लेकिन जो अकबर था वो टर्क था. वो सेंट्रल एशिया था से आया था. तो इंडियंस और अफगान दोनों उसको फॉरेनर मानते थे और एक दूसरे को सेम मानते थे. आई थिंक अभी भी देखा जाए तो जो आम इंडियन इंसान है, आम पाकिस्तानी इंसान है, आम अफगानी इंसान है, राशिद खान, शाहिद अफरीदी, MS धोनी एक दूसरे को भाई ही मानते हैं. अगर आप अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम को देखेंगे और यहाँ मुंबई में चल रहे होंगे, कौन देखेगा उनको दो बार? कौन बोलेगा ये फॉरेनर्स हैं? एक ही लोग है, दिखने में हर चीज़ में एक ही है. ये अलग, ये आर्टिफिशियली क्रिएटेड बाउंड्रीज है, डिवाइड्स है. सर, पर इतना बड़ा लैंड मास है, मतलब अफगानिस्तान से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक या बर्मा तक, तो जो आप कह रहे हो कि मौर्यन टाइम्स में एक ही किंगडम हुआ करता था, तो इतने बड़े किंगडम को गवर्न कैसे करते थे और प्रोटेक्ट कैसे करते थे? ये सबसे बड़ा पॉइंट है. अगर आप किसी भी बड़े किंगडम को देखेंगे, बड़े एम्पायर को देखेंगे, उसका इनवेरियबली ब्रेकअप होता है. क्योंकि इन द पास्ट हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं थी जो रियल टाइम में कम्युनिकेशन करा सके. इसके लिए बहुत चांस होते थे कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा और फिर ब्रेकअप होगा. तो इसके लिए ये सब साइकिल्स आते हैं कि कंसोलिडेशन देन ब्रेकअप, कंसोलिडेशन देन ब्रेकअप. आज कंसोलिडेशन का पूरा चांस है बिकॉज वी हैव टेक्नोलॉजी. उसका फ़ायदा उठाना चाहिए इफ़ यू वॉन्ट टू रीयूनिफाई द सब कॉन्टिनेंट अंडर द वे इट शुड बी. तो इसके लिए इन द पास्ट बहुत बड़े बड़े एम्पायर बने लेकिन फिर से टूट गए आफ्टर सेंचुरी और टू सेंचुरी और फाइव सेंचुरीज व्हाटएवर. सर, टिबेट में एक रिलीजन है बॉर्न रिलीजन. पहले तो बॉर्न रिलीजन के बारे में बता दो और क्या वो भी इंडिया से रिलेटेड है? आई थिंक बॉर्न रिलीजन टिबेट का इंडिजिनस रिलीजन है. ओके, इट इज़ इन मैनी वेज सिमिलर टू शमानिज्म, एनिमिज्म, एंसेस्टर वर्शिप, नेचर वर्शिप, जस्ट लाइक द मंगोल तेंग्रिज्म, ये सब. और ये बहुत अच्छे से सिंक्रेटाइज हो गया विथ वज्रयाना एंड तांत्रिक बुद्धिज्म. क्योंकि किसी भी पॉलीथियस्टिक रिलीजन के जो बेसिक फंडामेंटल से सेम ही होते हैं. कहीं भी जाओ आप, हर चीज़ को वो डिविनिटी मानते हैं. ट्रीज में भगवान है, पत्थर में भगवान है, आकाश में भगवान है, नदी में भगवान है. तो इन सब रिलीजन्स, पॉलीथियस्टिक रिलीजन्स के सब फंडामेंटल सेम होते हैं. तो इसके लिए बॉर्न और वज्रयाना और तंत्र सब कुछ मिलके एक कंपोजिट कल्चर बन गया टिबेट का जो आज दिखता है. आपने बहाइज्म के बारे में सुना? सुना है लेकिन इतना स्टडी नहीं किया मैंने. एक मॉडर्न रिलीजियस मूवमेंट है विच इज़ बेस्ड ऑन स्पिरिचुअलिटी. उसका ये मतलब है कि जो बहाई टेम्पल्स होते हैं या बहाई प्लेसेस ऑफ वर्शिप होते हैं, आप वहाँ जाकर आप जीसस क्राइस्ट को भी प्रे कर सकते हो, अल्लाह को भी प्रे कर सकते हो, कृष्णा भगवान को भी प्रे कर सकते हो, आपके ऊपर है. बट अंडरलाइंग लॉजिक इज़ एक दूसरे को प्यार बांटो.
इस दुनिया को एक और ज़्यादा बेहतर जगह बनाओ. तो लोग कहते हैं कि बहाइज़्म का एक राइज हो रहा है पूरे दुनिया भर में. अच्छा. और अगर आप स्पिरिचुअल चीज़ों को भी स्टडी करोगे, वहाँ भी उसे बहाइज़्म नहीं कहा जाता, पर यह कहा जाता है कि एक यूनिफाइंग रिलीजन अभी आएगा, जहाँ हर कोई ये मानेगा कि हाँ मैं हिंदू हूँ, मैं क्रिश्चियन हूँ, मैं मुस्लिम हूँ, मैं बुद्धिस्ट हूँ, मैं जैन हूँ, बट एंड में सभी लोगों के दिल में यही रहेगा कि हाँ हम एक ही है. तो बहाइज़्म का एक राइज होने वाला है अभी, प्रॉब्ली ओवर द नेक्स्ट 10 ईयर्स. ओके. और बहाइज़्म का राइज अभी होने लगा है कोविड की वजह से, और भी ज़्यादा होगा. अच्छा. इट्स अ रिलीजन ऑफ लव, इट्स अ रिलीजन ऑफ वननेस. अच्छा. तो शायद जो आप कह रहे थे कि पहले हर रिलीजन एक ही था, हाँ हर कोई एक ही कल्चर को फॉलो करता था, बेसिकली यही है कि हर चीज़ में भगवान ढूंढो, हर चीज़ में भगवान देखो. और वो सच भी है, मतलब वो आपके पीछे जो लाइट है वो भी, उसमें भी भगवान है, आप में भी भगवान है, मेरे में भी भगवान है, इसमें भी भगवान है. बिल्कुल बिल्कुल, यस. तो इट्स अ नाइस थॉट सर. तो 7 पॉइंट्स हो गए, आई थिंक 8-9 पॉइंट्स हो गए, बट फिर भी हम 8वां पॉइंट और 9th और 10th पॉइंट डिस्कस करेंगे. आई थिंक हमें एक चीज़ हाईलाइट करनी चाहिए, और यह है ग्रेको इंडियन कल्चर. तो जैसे कि हमने कहा कि इंडिया से लोग माइग्रेट हुए हर जगह यूरोपियंस में, बट अलेक्जेंडर द ग्रेट, सिकंदर वापस लौट आया इंडिया तक. बहुत इंटरेस्टिंग एंगल है ये उनकी स्टोरी पर. जो भी दुनिया को अलेक्जेंडर के बारे में पता है वो वेस्टर्न पर्सपेक्टिव से पता है, जो यूरोपियन स्कॉलर्स ने अलेक्जेंडर के बारे में लिखा. पर इंडियन स्कॉलर्स ने अलेक्जेंडर के बारे में क्या लिखा, क्या बोला, शायद कुछ भी नहीं. तो ये समझा दो सर, हुआ क्या था, और फिर ग्रेको इंडियन कल्चर की शुरुआत कैसे हुई थी. तो जब भी कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है, कोई लड़ाई होती है, तो उसके बारे में उसमें क्या एक्चुअली हुआ था, वो जानने के लिए दोनों साइड की राय देखनी चाहिए हमें. तो आज जो अलेक्जेंडर के बारे में लिखा गया है वो सब ग्रीक पर्सपेक्टिव है, अभी इंडियन पर्सपेक्टिव क्या है. तो इंडियन हिस्टोरियंस ने या इंडियन रिकॉर्ड्स में अलेक्जेंडर का कोई भी मेंशन नहीं है, एक भी नहीं है. और अजीब बात यह है कि अलेक्जेंडर का जो जनरल था सेल्यूकस निकेटर, उसके बारे में बहुत कुछ लिखा गया है इंडियन सोर्सेज में, एंशियंट इंडियंस उस टाइम के सोर्सेज में. तो ताज्जुब होता है कि अलेक्जेंडर के बारे में कुछ नहीं लिखा, लेकिन उसके जनरल के बारे में काफ़ी कुछ लिखा. तो ऐसा लगता है कि उस टाइम की इंडियंस की आंखों में अलेक्जेंडर कुछ नहीं था, लेकिन सेल्यूकस निकेटर इम्पोर्टेंट था, क्योंकि अलेक्जेंडर की मृत्यु के बाद सेल्यूकस निकेटर ने उसका साम्राज्य का शासन संभाला, और उसने भी फिर इंडिया को इन्वेड करने की कोशिश की. थोड़ी बहुत लड़ाई की उसने चंद्रगुप्त मौर्य से, फिर दोनों की अग्रीमेंट हो गई, और चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस निकेटर की बेटी को अपनी पत्नी की तरह स्वीकार किया, और दोनों फिर फैमिली बन गए, और उनकी अलायंस बन गई, और चंद्रगुप्त मौर्य ने उसको सेल्यूकस को 500 हाथी दिए एज ए गिफ्ट, जिसको लेकर वो फिर उसने बड़ा एक किंगडम बनाया. तो ये हिस्ट्री इंडियन सोर्सेज बताते हैं, लेकिन अलेक्जेंडर के बारे में कुछ नहीं बताते हैं. और जब ये बहुत बड़ी लड़ाई हुई सपोजिटली अलेक्जेंडर और इंडिया के बीच में, तो ये सप्त सिंधु रीजन में हुई थी, वहाँ पर तक्षशिला यूनिवर्सिटी थी हमारी बाजू में ही, इतने बड़े बड़े विद्वान थे वहाँ पर, उन्होंने कुछ क्यों नहीं लिखा उसके बारे में. तो थोड़ा आश्चर्य होता है और थोड़ा क्वेश्चन उठता है कि अलेक्जेंडर का एक्चुअल रोल क्या था, उसने इतनी बड़ी लड़ाई की थी या क्या हुआ उसका. तो एक्चुअली क्या हुआ है, और ये एक रशियन स्ट्रेटजिस्ट है मार्शल ज़ुकोव, उन्होंने भी ये लिखा है कि मोस्ट लाइकली अलेक्जेंडर को बहुत बड़ी हार हुई थी इंडिया में, बहुत बड़ी पराजय मिली थी उनको, और वो बहुत बुरी तरह से घायल हो गए, और वापस जाकर ईरान में उनकी मृत्यु हो गई. मोस्ट लाइकली ये हुआ था, लेकिन दिस इज़ द बिगिनिंग ऑफ द इंडो ग्रीक ईरा, क्योंकि अलेक्जेंडर के बाद सेल्यूकस निकेटर ने ये साम्राज्य संभाला, वो काफ़ी बड़े किंग बने. उनके मृत्यु के बाद उनका किंगडम टूट गया, क्योंकि इतना महान लीडर था नहीं उनके पास. फिर वो जो छोटे छोटे गवर्नर्स थे, उन्होंने अपने छोटे छोटे किंगडम्स बनाए, और ये नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया की का रीजन है, गांधार, प्रेजेंट डे पाकिस्तान एक्सेट्रा. तो ये इंडो ग्रीक कंट्री बन गया, वहाँ पर छोटे छोटे किंगडम्स हुए. एक बड़े महान किंग थे उनके, मिलिंद, जिनको इंग्लिश में मिनेंडर कहते हैं, जो पहले हिंदू थे फिर बुद्धिस्ट बन गए, उन्होंने बुद्ध धर्म का एक्सेप्टेंस किया एक्सेट्रा. तो उन्होंने काफ़ी सारे डोनेशंस किए ईस्ट ऑफ इंडिया में, बिहार तक बड़े बड़े स्तूपा बनवाए एक्सेट्रा. तो ये बहुत विद्वान थे, बहुत ही अच्छे महाराज थे मिलिंद, उनको मिनेंडर कहते हैं इंग्लिश में. तो ये इंडो ग्रीक्स है. तो
दो तीन सौ साल तक उनका ये साम्राज्य रहा, छोटे छोटे किंगडम्स इन नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया. और ये जो गुजरात में एक जूनागढ़ नाम का एक नगर है, सिटी है, जो शायद पहले योनगढ़ कहा जाता था, मतलब ग्रीक सिटी, ग्रीक फोर्ट्रेस. तो शायद वहाँ तक ग्रीक लोग का इन्फ्लुएंस था. तो इसका मतलब ये है कि नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया के जो लोग हैं आज, उनमें थोड़ा सा फ्रैक्शनल ग्रीक एंसेस्ट्री हो सकता है, क्योंकि वो काफ़ी टाइम तक यहाँ रहे थे. और बेसिकली ये इंडो ग्रीक्स थे, सिर्फ ग्रीक नहीं थे, क्योंकि उन्होंने इंडियंस से शादी की, विवाह किया और बेसिकली इंडियन ही बन गए. तो उनका जो साम्राज्य का जो डिक्लाइन हुआ, तो वो वापस ग्रीक्स नहीं चले गए, दे असिमिलेटेड विद इन द इंडियन पॉपुलेशन. तो ये एक इंटरेस्टिंग चैप्टर ऑफ हिस्ट्री है, इंडो ग्रीक पीरियड. उनका कल्चर दिखाई देता है अकॉर्डिंग टू, उनका कल्चर इंडियन कल्चर था. ओके. जब वो आए थे तब वो ग्रीक थे, लेकिन फिर वो घुल मिल गए इंडियंस में. जब ये मिलिंद नाम के जो राजा थे, तो ही वॉज अ हिंदू इनिशियली, वो वेदों के बहुत बड़े ज्ञानी थे. फिर बाद में उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया और वो बुद्धिस्ट बन गए. तो ये बेसिकली उनका कल्चर यही था, इंडियन कल्चर ही था ये. और सर, अगर हम ऐसे इंटर कल्चरल बातें कर रहे हैं, आई थिंक वी शुड हाईलाइट पॉइंट नंबर 9, विच इज़ किंग कनिष्क. फिर से हमारी हिस्ट्री टेक्स्ट बुक्स में इनके बारे में ज़्यादा कुछ सिखाया नहीं जाता. फिर भी चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में सिखाया जाता है, पर कनिष्का के बारे में इतना नहीं सिखाया जाता. वो एक हन थे और नहीं, कुशान थे वो. कुशान, कुशान क्या होता है? कुशान आर द ईस्टर्न मोस्ट स्कीथियंस. ये जो स्कीथियन लोग थे, वो बेसिकली एक इंडो ईरानियन लोग थे. ओके. नोमैड्स. वो जो पूरा सेंट्रल एशिया रीजन है, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, यूक्रेन, ये पूरा रीजन उनका साम्राज्य था. उसको पहले स्कीथिया बोलते थे. ओके. तो उसका जो ईस्टर्न मोस्ट ब्रांच था, वो ये कुशान लोग थे. जो आज जो चाइना का सिंजियांग रीजन है, तारिम रिवर है उसका जो बेसिन है बहुत बड़ा, वहाँ पर उनका ओरिजिनल साम्राज्य था. कैसे दिखते थे वो? दिखने में इंडो यूरोपियन, मोर लाइक यूरोपियन जैसे, लेकिन उनका जो डीएनए है, जेनेटिक्स, वो R1A1 है. मतलब इंडियन ओरिजिन डीएनए है उनका. इंडियन ओरिजिन पैट्रिलिनियल लिनेज उनका, वंश है. तो ये फिर कुछ 2200 साल पहले ये कुशान इंडिया में आए एज इन्वेडर्स, और उन्होंने नॉर्दर्न इंडिया को कब्जा किया धीरे धीरे. शुरुआत में गंधार में बसे वो लोग, फिर धीरे धीरे साउथ में आए, सदर्न इंडिया, मतलब नॉर्दर्न हाफ ऑफ इंडिया, उनमें उधर उन्होंने अपना साम्राज्य बनाया. उनके सबसे महान किंग थे, सबसे महान उनके एम्परर थे कनिष्क. तो ये जो कुशान आए, इन्होंने इंडिया को कॉन्कर किया, और फिर ये बहुत ही हारमोनियसली इंडियन पॉपुलेशन में घुल मिल गए, क्योंकि उनका कल्चर वही था, इंडियन ही था. उनका एंसेस्ट्री भी इंडियन ही था. तो ये एक्चुअली फॉरेनर नहीं थे, कल्चरली और लिंग्विस्टिकली इंडियन ही थे. थोड़ा लैंग्वेज थोड़ा अलग था, लेकिन कल्चर वही था. ओके. तो कनिष्क उनके सबसे महान सम्राट थे, महाराज कनिष्क. और कनिष्क ने बहुत बड़ा एक साम्राज्य बनाया. उनके अगर आप कॉइन्स देखेंगे, तो उसमें शिव भी है, बुद्ध भी है, सब कुछ है. उनका जो साम्राज्य था, वो कैस्पियन सी और अराल सी को टच करता था, और ऑल द वे अप टू बिहार था. पटना, पाटलिपुत्र एक्सेट्रा, पूरा गांधार था. और उन्होंने पूरा शिनजियांग जो आज का है, वो भी वापस कॉन्कर किया चाइनीज लोग से. तो बहुत ही बड़ा एम्पायर था उनका. और ये बहुत बड़े कल्चर के प्रोपोनेंट थे. उन्होंने बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंसेस करवाई कश्मीर में एक्सेट्रा. और इंडियन कल्चर का किसी ने भी इतना प्रोपोगेट नहीं किया होगा जितना कनिष्क ने किया. उन्होंने सिल्क रूट ट्रांसमिशन ऑफ बुद्धिज्म शुरू किया. और ये सिर्फ बुद्धिज्म नहीं था, हिंदुइज्म भी था, क्योंकि चाइना में सारे के सारे हिंदू गॉड्स गॉडेसेस मिलते हैं आपको पुराने ज़माने में. तो कनिष्क ने इतना एक्सपोर्ट किया इंडियन कल्चर को, कि पूरा चाइना और ईस्टर्न एशिया बुद्धिस्ट बन गया. हिंदू स्लैश बुद्धिस्ट. तो ये सब कनिष्क का इनिशिएटिव था. तो इतने बड़े मिलिट्री कॉन्करर थे, और इतने बड़े एक्सपोर्टर ऑफ इंडियन कल्चर भी थे. उनका लॉजिक क्या रहा होगा? उनका लॉजिक था कि नेशनल इंटरेस्ट, फर्दर इंडियाज नेशनल इंटरेस्ट, बियॉन्ड इंडियाज बॉर्डर्स, मेक द वर्ल्ड अ मोर सिविलाइज प्लेस फॉर इंडियंस एंड अ बेटर वेलकमिंग प्लेस फॉर इंडियंस. मोस्ट लाइकली उनका यही था. ये भी जियोपॉलिटिक्स खेल रहे हैं. ये भी जियोपॉलिटिक्स ही है. यस, करेक्ट सर. जियोपॉलिटिक्स बेसिकली एक गेम ऑफ थ्रोन्स की तरह है, स्पोर्ट है, इंटरनेशनल स्पोर्ट है. और आज के ज़माने में चाइना, यूएसए, ये दो नेशंस, रशिया खेल रहे हैं जियोपॉलिटिक्स. इंडिया जियोपॉलिटिकल रेस में थोड़ा सा पीछे. थोड़ा सा
तो एंशिएंट पर्सपेक्टिव से आप जियोपॉलिटिक्स समझा सकते हो कि क्योंकि जियोपॉलिटिक्स हमेशा के लिए रहा है, बट एंशिएंट ज़माने में जब लोग कहते थे कि भारत एक सोने की चिड़िया होती थी, तो दुनिया इंडिया को किस नज़रिए से देखता था और क्यों इतनी इन्वेजन क्यों हुई, हमारे धन की वजह से हुई, हमारे कल्चर की वजह से हुई, क्या होता था? तो एंशिएंट वर्ल्ड में इंडिया सेंटर ऑफ द यूनिवर्स था, सबसे बड़ा कल्चर था, सबसे बड़ा सिविलाइजेशन था, सबसे बड़ा अर्बन सेंटर था दुनिया का, और सबसे ज़्यादा धन भी था इंडिया में। अभी आप अगर एंगस मैडिसन का जो स्टडी है, वो एक अमेरिकन इकोनॉमिस्ट है, उसका स्टडी देखेंगे तो इंडिया मोस्ट ऑफ हिस्ट्री में एटलीस्ट 33% ऑफ वर्ल्ड GDP का हिस्सेदार था। सो पूरा वर्ल्ड का जो GDP है उसका एटलीस्ट 33% इंडिया में था, लेकिन बिफोर दैट पीरियड आई थिंक 50% से ज़्यादा होगा। तो सारा का सारा धन इंडिया में था, इसके लिए बहुत सारे लोग यहाँ पे आने को कोशिश करते थे, इन्वेड करने को कोशिश करते थे। और जैसे आज US में सब लोग इमिग्रेट करना चाहते हैं क्योंकि इतना अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वहाँ पे, उस टाइम पर इंडिया वैसा था। तो इसके लिए बहुत सारे लोग इंडिया में आए अलग अलग जगह से, सब घुल मिल गए इंडियन कल्चर में, और इंडिया का जेनेटिक डाइवर्सिटी आप देखेंगे तो इससे मालूम पड़ता है। तो ये इंडिया का पूरा एंशिएंट सिचुएशन था। और इंडिया के जो बड़े बड़े एम्परर्स रहे हैं, जैसे कि मौर्यंस थे, कनिष्क थे, गुप्ता एम्पायर था, उन्होंने ये जियोपॉलिटिक्स का गेम बहुत अच्छे से खेला, क्योंकि जियोपॉलिटिक्स का सेंट्रल प्रिंसिपल है नेशनल इंटरेस्ट और सिविलाइजेशनल इंटरेस्ट। आप जो भी करते हो, आपका एक मेन ड्यूटी है कि आपका जो साम्राज्य है और उसके जो लोग हैं उनका लॉन्ग टर्म प्रॉस्पेरिटी आपको फर्दर करना है, उसका आपका वही काम है एज अ किंग और एम्परर। तो ये सब वही करते थे, कनिष्क ने ये किया, इतना बड़ा साम्राज्य बनाया, पूरा जो नॉर्दर्न रीजन था उसको सबड्यू किया, पैसिफाई किया, सिविलाइज किया, और चाइना में हर जगह में इंडियन कल्चर स्प्रेड किया। ये जियोपॉलिटिकल गेम है, इट इज़ अ लॉन्ग टर्म जियोपॉलिटिकल गेम, और उसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट इंडिया में हुआ, क्योंकि पूरा का पूरा चाइना है वो इट बिकेम वेरी मच प्रो इंडिया बिकॉज दे रिस्पेक्टेड इंडिया एज द गिवर ऑफ नॉलेज, राइट। फिर चोला जो है, चोला डायनेस्टी, उन्होंने पूरा का पूरा साउथ ईस्ट एशिया कॉन्कर किया, लेकिन एथिकल कॉन्क्वेस्ट था। देर इज अ डिफरेंस बिटवीन कॉन्क्वेस्ट एंड कॉलोनाइजेशन। उन्होंने कभी कॉलोनाइजेशन नहीं किया, उन्होंने कभी वेल्थ एक्सट्रैक्ट नहीं किया, उन्होंने वहाँ पे कंक्वेस्ट किया लेकिन कभी भी सिविलियन पॉपुलेशन को टच नहीं किया। तो इतने एथिकल कॉन्करर्स थे, इसके लिए वहाँ के पॉपुलेशन ने इंडियन कल्चर को ऑब्जॉर्व कर लिया क्योंकि ये सुपीरियर कल्चर था। तो आज इसकी वजह से इतना सारा इंडियनाइजेशन है साउथ ईस्ट एशिया में। सो दिस वॉज ऑल्सो जियोपॉलिटिक्स एंड नेशनल इंटरेस्ट, उन्होंने इंडियन लॉन्ग टर्म नेशनल इंटरेस्ट को फर्दर किया। तो नेशनल इंटरेस्ट फॉर अ लार्ज एम्पायर हमेशा ये है कि आप बियॉन्ड योर फिजिकल जियोग्राफिकल बाउंड्रीज, आप उसके बियॉन्ड अपने इंटरेस्ट को फर्दर कीजिए, राइट। सो दिस इज व्हाट इंडिया नीड्स टू लर्न टुडे, कि आप सिर्फ डिफेंसिव मत खेलिए, राइट। आप सिर्फ डिफेंसिव वॉरफेयर मत खेलिए, आपके आर्मी को, नेवी को सिर्फ डिफेंसिव मत बनाइए, थोड़ा बाहर भी देखने को दीजिए उनको, राइट। ताकि हम अगर आप अपने नियर अब्रोड को थोड़ा स्टेबल रखेंगे तो हमारा इंटरनल कंडीशन भी अच्छा होगा। सो दिस इज़ द काइंड ऑफ गेम इंडिया नीड्स टू प्ले। और हमारी जो टेक्स्ट बुक्स है उसमें क्या है कि ये सब बातें बताई नहीं जाती है। अभी इंडियन पॉपुलेशन, इंडिया के सब लोग सोचते हैं कि हमने 2000 साल से कुछ नहीं किया है, किसी को कॉन्कर नहीं किया है। तो कनिष्का कौन था भाई, चोला कौन थे, बहुत है ऐसे एग्जाम्पल्स, ललितादित्य मुक्तपीड कौन था, और बहुत सारे और एग्जाम्पल्स हैं। तो इससे ये डिफीटिस्ट मेंटालिटी आती है इंडिया में, डिफेंसिव मेंटालिटी आती है और नेशनल प्राइड बिल्कुल नहीं बनती है। अब नेशनल प्राइड सिर्फ दूसरों को कॉलोनाइज करने से नहीं आती है, लेकिन हमने एथिकल कॉन्क्वेस्ट किए थे और हमने उनका एक्चुअली कंडीशन बढ़ाया था, अच्छा किया था, प्रॉस्पेरिटी बढ़ाई थी हर जगह की। तो अगर ये हिस्ट्री अगर हम जानेंगे, आज के बच्चे जानेंगे, तो थोड़ी प्राइड आएगी उनमें, थोड़ा आत्मविश्वास आएगा। तो इसके लिए हमें हिस्ट्री टेक्स्ट बुक्स थोड़ी सुधारने की ज़रूरत है। मैं नहीं कहता हूँ कि उसको डिस्टॉर्ट कीजिए, लेकिन लेट इट रिफ्लेक्ट द रियलिटी ऑफ व्हाट हैपेंड। आई फील कि ये भी ब्रिटिशर्स हमारे साथ जियोपॉलिटिक्स खेल के गए, पहले एडुकेशन सिस्टम थोड़ा बर्बाद किया, फिर हिस्ट्री बुक्स में लिखा कि नहीं नहीं आप कुछ नहीं हो, मतलब आपने कुछ भी नहीं देखा है, आपको एक्चुअली लोग इन्वेड करते थे पहले से, मोहनजोदारो के टाइम से लोगों ने आपको इन्वेड किया, पहले आर्यन आए, फिर आपको वहाँ से भगाया, उसके बाद इन्वेडर्स आए, टर्किक इन्वेडर्स आए, उसके बाद ब्रिटिशर्स आए, तो आप एक इन्वेजन पॉइंट थे, बट ये सच नहीं है, ये सच नहीं है। और ये हिस्ट्री हमें हटानी है, हमें एक्चुअल हिस्ट्री सीखनी है, हमें बैलेंस हिस्ट्री जाननी है, जो हुआ अच्छा हुआ, जो बुरा हुआ, जो भी फैक्ट्स है उसको सीखना है।
ताकि सब सारे के सारे लेसन मिले हमें, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी. आई फील कि जो धन इंडिया ने पिछले 200-300 साल में खोया है वो डेफिनेटली लौट के आएगा इन द फॉर्म ऑफ बिजनेसेस, इन द फॉर्म ऑफ एक्सपोर्ट, इन द फॉर्म ऑफ टूरिज्म. पर उसे आने के लिए हमें दो चीज़ों की ज़रूरत है, पहले लीडरशिप जैसे कि आपने कहा, और दूसरी आत्मविश्वास. बिल्कुल. और ये दोनों चीज़ें एडुकेशन सिस्टम से निकल कर, बिल्कुल परफेक्ट. और एडुकेशन सिस्टम से अगर नहीं निकल कर आई तो होपफुली यूट्यूब से निकल कर आएंगी, स्पॉटिफाई से निकल कर आएंगी. सो अभिजीत चावड़ा सर, थैंक यू वंस अगेन. ये हमारा हिस्ट्री एपिसोड का सीक्वल था. आई होप कि लोग हमारे जियो पॉलिटिक्स के एपिसोड्स देखें, एस्ट्रोफिजिक्स के एपिसोड्स देखें, और स्पेसिफिकली हिस्ट्री के बारे में अगर और कुछ जानना है, फर्स्टली आप सर का पॉडकास्ट चेकआउट कीजिए, और सेकेंडली जो भी क्वेश्चंस है ट्विटर पर भेजते रहिए, राइट इन. वी विल स्टे एक्टिव आई गेस ऑन TRS, ऑन द अभिजीत चावड़ा शो. थैंक यू गाइस. सर, एनी पार्टिंग नोट? जस्ट ट्राई एंड लर्न द रियल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, दैट्स इट. और बहुत कुछ है, और सारा इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन अवेलेबल है. अगर आपको मालूम है कहाँ ढूंढना है, सब कुछ मिलेगा. अभिजीत चावड़ा सर, थैंक यू अगेन फॉर बीइंग ऑन द रणवीर शो. थैंक यू फॉर हैविंग मी. थैंक यू. तो कैसी रही फिर वीडियो रुचिका? वीडियो काफ़ी अच्छी थी. अभी चावड़ा जी ने बहुत ज़्यादा पॉइंट्स डिस्कस किए इसमें, जैसे कि उन्होंने बोला कि 10 पॉइंट्स अलग अलग टॉपिक पे डिस्कस किए उन्होंने, और हमने फर्स्ट पार्ट भी बनाया था जिसका लिंक आपको ऊपर मिल जाएगा, और ये सीक्वल पार्ट था. और मुझे ये चीज़ काफ़ी अच्छी लगी कि जिसमें उन्होंने बोला सोने की चिड़िया थी भारत, फिर इन्वेडर्स आए, ये वो, और काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली. और वो भी मुझे अच्छा लगा कि इन्होंने बोला कि इंडिया में जो पुरानी चीज़ें हैं उनके ऊपर पैसा नहीं लगाया जा रहा, टूरिज्म को अट्रैक्ट किया जा सकता है अगर उसको अच्छे से प्रिजर्व किया जाए और उसको रिप्रेजेंट सही ढंग से किया जाए. आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट. हाँ, और मुझे बहुत अच्छा लगा, इन्होंने काफ़ी सारे पॉइंट्स जो हैं वो टच किए. बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स थे जिनके बारे में हमें मालूम ही नहीं था, और वो सुन के मज़ा आया. और इस वीडियो में इन्होंने काफ़ी सारे नाम भी लिए कि आप उनके पास उनके जो टेक्स्ट हैं वो पढ़ सकते हैं, जो मुझे काफ़ी अच्छा लगा. और आर्कियोलॉजिकल सर्वे के बारे में जैसे रुचिका ने भी बात की कि उस पर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, चीज़ों को अनर्थ करना चाहिए, और फिर उसको उसकी रियलिटी को एक्चुअली हिस्ट्री बुक्स में वो डालना चाहिए. ये काफ़ी अच्छा लगा. और इस बार इन्होंने नॉर्थ ईस्ट की बात भी की जो कि सुन के बहुत अच्छा लगा. लचित बोरफुकन का जो वो स्टैचू है वो हमने गुवाहाटी में दिखाया आई थिंक, तो वो काफ़ी अच्छा लगा, मजा आया सुन के. पूरी वीडियो को जैसे आइसेज से शुरू हुआ तो मैं तो सोच रहा था आइसेज में कैसे सब कुछ जो है वो फ्रोजन होगा और लोग इक्वेटर के पास रह रहे थे, वो सारा मतलब मेंटल मैप बन रहा था. वो मुझे बहुत अच्छा लगा. अभी भी हमारे यहाँ तो आइसेज ही है, यहाँ -40 डिग्री सेल्सियस में बैठे हैं, बाहर सारी स्नो पड़ी हुई है. तो ये सोच के समझ के बहुत मज़ा आया. सारी वीडियो जो है वो किसी एक पॉइंट के ऊपर अच्छे से थोड़ी सी डिस्कशन हुई, और फिर नेक्स्ट पॉइंट बहुत ही अच्छे तरीके से ये कंडक्ट किया गया. मुझे ये वाला पार्ट बहुत ज़्यादा बढ़िया लगा कंपेयर टू प्रीवियस पार्ट, उससे काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट थी इसमें, काफ़ी मज़ा आया. एक चीज़ जो मुझे लगी कि वो बामिया क्या वो रिलीजन का रणवीर ने बोला, वो मुझे इरेलीवेंट लगा, उसका कोई मुझे मतलब नहीं लगा कि सब लोग एक जगह पे बैठ रहे हैं और अपने अपने भगवान को वो प्रे कर रहे हैं, सो व्हाट. तो he said कि अगले 10-15 साल में वो चले वो होगा. मुझे उस प्रेडिक्शन का कोई बेसिस लगा नहीं, और मुझे वो बात इरेलीवेंट भी लगी और कुछ बेसलेस भी लगी कि मैंने हमने सुना नहीं यहाँ पे और ना हमने देखा, और 5-10 साल में ये प्रेडिक्शन कहाँ से आई और इसका क्या जो लॉजिकल रीजन है वो मुझे समझ में नहीं आया. हो सकता है हम उसके बारे में अनजान हो, हमें पता ना हो, तो होपफुली पढ़ेंगे इसके बारे में और जानने की कोशिश करेंगे कि इसका क्या है रियलिटी और इसमें और क्या जानने लायक है. तो उम्मीद करते हैं कि आपको भी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा इस वीडियो से. बहुत इंटेंस वीडियो थी और बहुत सारे टॉपिक्स उन्होंने कवर किए, और जो कनिष्क वाला टॉपिक था उसके बारे में मैं अनवेयर था, और कुषाण एम्पायर और ये सब जो वो चीज़ें वो बहुत डीप पढ़ने वाली हैं, वो इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है कि आपने वीडियो देख ली और आपको समझ में आ गया. और इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से उसको सकेंटली जो है वो प्रेजेंट किया. और एक चीज़ से मैं बहुत अमेज्ड हूँ, ये अभिजीत चावड़ा जी को इतने नाम पता हैं, इतनी चीज़ें याद हैं, दैट इज़ also clever. Right, बहुत right.
That's very difficult to remember exactly names, मतलब, और it's not only first name, surname, सब कुछ याद होता है उनको. सब कुछ याद है, यहाँ से साउथ ईस्ट एशिया से ले लीजिए आप ऊपर यूरोप और वो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, आयरलैंड, ये वो सारे, वो इट इज माइंड ब्लोइंग एंड इट्स रियली इम्प्रेसिव. बहुत मजा आया. मतलब मैं सोच रहा था यार इनको ये भी पता है, उनको ये भी पता है, इतने नाम, इतने नाम, तो मैं कंफ्यूज हो जाऊं मेरे पास इतने नाम पड़े हो. और ये देख के मुझे बहुत मजा आया. मतलब आई वाज ट्रूली इम्प्रेस्ड. जब हिस्ट्री में हम लोग पढ़ते थे तो यूजुअली बहुत सारे नाम याद करने पड़ते थे और वो बहुत टफ लगता था. और आई थिंक उसको रिविजिट ना किया जाए तो वो भूल भी जाता है क्योंकि इट्स वेरी डिफिकल्ट. और इनकी नॉलेज से पता चलता है कि ये रिविजिट करते हैं और इनको याद रहते हैं. एंड ही इज involved in this thing. Yes. He has invested a lot of time in reading ancient books or जो contexts, जो भी textbooks ये पढ़ते हैं या जो भी references ये लेते हैं उनमें ये बहुत deeply उसको पढ़ के समझ के फिर information जो हमारे साथ share करते हैं. वो बात करने के ढंग से पता चल जाता है कि he remembers everything. Right. क्योंकि आप जब repeatedly एक same चीज को चाहे अलग source से पढ़ें तो आप उसको link कर पाते हैं and recall होता है वो चीजें, तो वो याद रहती हैं. But it's difficult to remember all the names जो इन्होंने मतलब 1 hour में cover करने की कोशिश की. It's like amazing. बहुत ही बढ़िया बढ़िया काम किया इन्होंने. मतलब सोच रहा था इतने हजार सालों से पहले से याद रखा हुआ और अभी क्या जो recent है वो भी remembered है. वो बहुत मुझे अच्छा लगा और आई होप कि हमारे में भी वो पावर्स आए और हम भी पढ़ लिख के कुछ इतना समझ के अब्सॉर्ब कर पाएं और रिटेन कर पाएं कि वो अच्छे से उसको प्रेजेंट कर पाएं. ये बहुत ही अच्छी बात थी और बहुत मजा आया ये देख के. होपफुली आपने भी ये वीडियो एंजॉय की होगी और आपको बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे मिले होंगे जो आपको पहले नहीं पता थे. तो वी थैंक रणवीर फॉर मेकिंग दिस वीडियो एंड वी थैंक अभिजीत चावड़ा जी फॉर डिस्टिलिंग दिस इन्फॉर्मेशन फॉर अस. क्योंकि मेहनत तो वो कर रहे हैं पढ़ के सब कुछ समझ के उसको छोटे छोटे 3-4 minute के पॉइंट्स में या 10 minute के पॉइंट्स में लेके आने में बहुत टाइम जाता है. वी शुड रियली बी थैंकफुल टू अभिजीत चावड़ा फॉर ब्रिंगिंग दिस कॉन्टेंट. तो थैंक यू सो मच. आपको भी अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको थम्स अप जरूर कीजिए. और चैनल पे नए हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि जब भी हम ऐसी इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आए तो तुरंत आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए. और जो भी आपकी फरमाइश है और फीडबैक है वो कमेंट सेक्शन में हमें जरूर दीजिए, हम उसको पूरी करने की जरूर कोशिश करेंगे. वंस अगेन हैप्पी न्यू ईयर 2022. अपना नया साल अच्छे से मनाइए और होपफुली आप पिछली हिस्ट्री से सीख लेके आगे का काम जो है अपनी जिंदगी का वो बढ़िया तरीके से कर पाएंगे. तो चलिए अब हम आपको मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में. तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी. बाय बाय.